राजद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर फिलहाल के लिए रोक लगाते हुए कहा है कि संबंधित सभी लंबित मामले, अपील और कार्रवाई को स्थगित रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिनके खिलाफ राजद्रोह के आरोप पर मुकदमे चल रहे हैं और वो इसी आरोप में जेल में बंद है, तो जमानत के लिए समुचित अदालतों में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हीमा कोहली की पीठ ने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार के द्वारा देशद्रोह के प्रावधान की समीक्षा पूरी नहीं हो जाती, तब तक सरकारों को देशद्रोह के प्रावधानों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस पीठ ने आगे यह भी कहा है कि देशद्रोह के प्रावधान के तहत कोई नई FIR दर्ज नहीं की जानी चाहिए और पहले से ही जेल में बंद लोगों को राहत के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि आरोपियों को दी गई राहत जारी रहेगी। प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जुलाई में जल्द सुनवाई होगी। बुधवार को ही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि हमने राज्य सरकारों को जारी किए जाने वाले निर्देशों का मसौदा तैयार किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से यह कहा था कि राजद्रोह के संबंध में औपनिवेशिक युग के कानून पर किसी उपयुक्त मंच द्वारा पुनर्विचार किए जाने तक नागरिकों के हितों की सुरक्षा के मुद्दे पर वह अपने विचारों से अवगत कराए। कोर्ट ने इस बात पर सहमति जताई है कि इस प्रावधान पर पुनर्विचार केंद्र पर छोड़ दिया जाए, जिसने इस संबंध में एक हलफनामा भी तैयार किया है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए punjabkesari.com के साथ।